तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्टिव सत्यम चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ लेटेस्ट अनबॉक्सिंग। ये है रेडमी का पावर बैंक जो कि 10,000 mAh का है और 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये अभी ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है, जैसा कि आप साइट से देख सकते हैं क्या लिखा है। चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन पे नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हैं कि ये माइक्रो USB और USB Type-C को भी सपोर्ट करता है। ये सिंगल पोर्ट से 5.1 वोल्ट से 2.4 एम्पियर और ड्यूल पोर्ट से 5.1 वोल्ट से 2.6 एम्पियर देता है। और जैसा कि आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आपको यहाँ प्राइस देखने को मिल जाएगी, 999। मैंने अमेजोन से मंगाया, लगभग ये 800 का पड़ा। और इसके कलर है ब्लैक और नीचे कुछ दी हुई है MI और यहाँ लिखा है मेड इन इंडिया। चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये सील टूटी हुई थी, मैंने देखा था कि ये सील ब्रेक प्रोडक्ट आया है जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड है अमेज़ॉन की तरफ से। तो देखते हैं ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगी पैकिंग, देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको देखने को क्या मिलते हैं। जो कि आप कुछ देखने को मिलता है, ये आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड बता रहे हैं कैसे आपको स्क्रैच करके रजिस्टर करना है पावर बैंक। तो इसे रखते हैं साइड और अपने बॉक्स को हम देखते हैं। ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपका बॉक्स। तो यहाँ से ये है सर, आप ये है आपका मेन पावर बैंक। और देखते हैं क्या देखने को मिलता है इसमें। मिलती है माइक्रो USB केबल। मैं सोचा था कि Type-C केबल मिलेगी। इसे रखते हैं साइड, इसे भी रखते हैं साइड और आते हैं अपने मेन हाईलाइट जो कि है पावर बैंक। चलिए इसे खोलते हैं। ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहाँ रेडमी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके यहाँ पे साइड में आपको एक बटन मिलता है जिससे पावर बैंक को ऑन ऑफ किया जा सकता है। सामने की तरफ आते हैं तो आपको दो पोर्ट मिल जाते हैं जिसके थ्रू अपने मोबाइल और ब्लूटूथ रिलेटेड चीज़ें जैसे कि आपकी बैंड हो गई और फिटनेस बैंड जो भी है चार्ज कर सकते हैं। और दूसरे यहाँ माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है जिससे आप मोबाइल और ब्लूटूथ डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। इसमें Type-C पोर्ट देखने को मिलता है जो कि लेटेस्ट है। इससे आप Type-C डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं। देखने में पावर बैंक हल्का लगता है और हल्का है भी गाइस। रुकी रुकी कहाँ जा रहे हैं, अब आपको मिलेगी इस पावर बैंक की फुल रिव्यू जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगी। मैंने इसे लगभग 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते यूज किया। चलिए आगे चलते। गैस, मैं इस पावर बैंक को लगभग 2.5 से 3 हफ्ते यूज किया हूँ और आपको मैं इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको किसी भी अनबॉक्सिंग वीडियो में देखने को नहीं मिली होगी जो इस पावर बैंक की होगी। तो सबसे पहले चलिए इसकी मेन हाईलाइट की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पावर बैंक को ऑन करने के लिए बटन को प्रेस करना पड़ता है। तो प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि सारी जो ऊपर बत्ती है जो बनी हुई है 4, वो ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब आपका पावर बैंक फुल चार्ज है और केवल 3 यहाँ जो बत्तियाँ हैं वो ब्लिंक हो रही हैं। इसका मतलब आपका पावर बैंक 75 to 80% चार्ज है। अगर आपका पावर बैंक में केवल 2 बत्तियाँ ब्लिंक कर रही हैं इसका मतलब आपका पावर बैंक 50% चार्ज है। अगर एक ब्लिंक कर रही है तो 10 से 20%। तो चलिए देखते हैं दूसरी इसकी फीचर। जब आप इस पावर बैंक के यहाँ के बटन को 2 बार दबाते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं, फिर से MI बैंड हो गई, फिटनेस बैंड हो गई, कोई भी बैंड हो गई, तो उनमें लो वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज पे ख़राब हो सकते हैं। तो 2 बार इस बटन को प्रेस करने पर आपका पावर बैंक लो वोल्टेज मोड पर चला जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि लो वोल्टेज मोड पर, तो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि रुक रुक के सारी बत्तियां ब्लिंक होंगी। देखिए आप ध्यान से, ये लास्ट वाली, फिर पहली वाली, फिर बीच वाली। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपका पावर बैंक लो मोड में। मैंने ये भी बात नोटिस की कि आप इसे फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। मेरे पास था क्विक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट था चार्जर में, तो लगभग ये 6 से 7 या आप कहें तो 6 घंटे में आपका पावर बैंक फुल चार्ज हो जाएगा। तो बस देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। और साथ ही कोरोना वायरस फैल रहा है तो इससे बचिए, साफ सफाई पे ध्यान दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया।